नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। फिलहाल मैं मौजूद हूं नवलगढ़ के भाजपा यूं कहें कि उमेंद्र जी चारण जी के कार्यालय में। आज झुंझुनू में आयोजित होने जा रहे किसान सम्मेलन में यहां से एक बड़ा काफिला है, उमेंद्र जी चारण के नेतृत्व में है, वो झुंझुनू के लिए निकल रहा है। उमेंद्र जी, झुंझुनू के पीरू सिंह सर्किल पर आज एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा आयोजित किया, यहाँ से आप बड़ी एक संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर आप भी निकल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि 4.5 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी शासन में आई थी, वो किसानों के साथ छल कपट के साथ शासन में आई थी, युवाओं के साथ छल कपट के साथ कांग्रेस शासन में आई थी। उसका प्रतिकार करने के लिए, विरोध के करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट लेवल का एक कार्यक्रम जो है वो झुंझुनू में रखा है, और झुंझुनू के उस कार्यक्रम में नवलगढ़ के लोग सहभागी हों, उसके दर्शक बने हैं, इसके लिए नवलगढ़ से काफ़ी कार्यकर्ता, हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता जो है वो झुंझुनू इस कार्यक्रम के लिए पहुँच रहे हैं। किस प्रकार की स्थिति देखते हैं वर्तमान समय में, अगर किसानों की बातचीत करें राजस्थान में? राजस्थान में किसानों की हालात बड़ी दयनीय है। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस शासन में आई थी, उन मुद्दों को बहुत पीछे छोड़ दिया। हर जगह विधानसभा चुनाव में जहां विधायक चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने घोषणा की थी कि बिजली का बिल एक बार नहीं बढ़ेगा। मुझे कहते हुए इस बात का अफसोस है कि पिछले 4.5 साल में 14 बार बिजली का बिल बढ़ाया गया है, और किसानों को उचित मूल्य जो है वो अनाज का, फसल का नहीं दिया जा रहा है। किसानों की कर्ज माफी की जो बात की गई थी, वो कर्ज माफी का वादा जो है उससे वो लोग मुकर गए हैं, और पुनः परमिट की अवस्था करके सत्तासीन होना चाहते हैं। पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये ताकत दिखाकर उन्हें इस बात का 5 महीने पहले एहसास करवाना चाहते हैं कि आपका समय अब खत्म हो गया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन होगी, और कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे और जिन वादों की वजह से वो सत्ता में आई, उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, उनका विरोध करने के लिए तमाम जो लोग हैं नवलगढ़ के, वो विरोध करने के लिए झुंझुनू जा रहे हैं। किसानों की बातचीत है तो नवलगढ़ में किसान आंदोलन भी काफी लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। इस सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था, स्थानीय विधायक जो हैं वो एक सीमेंट फैक्ट्री में दलाल की भूमिका में रहते हुए जिस प्रकार के कृत्य किए हैं वो निंदनीय हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं, और ये तमाम जनता जो है एक मुखी होकर इस बात का जवाब देने के लिए आतुर है। उस समय बेला अवसर आ गया है जिस अवसर पर यह जवाब दिया जाएगा। उमेंद्र जी, नवलगढ़ के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा भी विशेष है, एक महीने में 2-2 बार आप प्रधानमंत्री जी से मिले, बताइए इस विषय में। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी से मिलना मैं सौभाग्य मानता हूं, और उसमें मेरा कोई परिश्रम नहीं है, मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेरा कोई प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि मुझे मोदी जी से मिलाने का, उन्होंने वक्त लेकर, समय लेकर के मुझे मिलाने का काम किया है। मैं अपने आप को पुरस्कृत मानता हूँ और अभिभूत हूँ कि मुझे महीने में 2 बार अवसर मिला है प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने का, बात करने का। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। तो कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो झुंझुनू के वहाँ इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं? ऐसा है कि प्रदेश लेवल के तमाम नेता जो हैं वो आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते राजेंद्र सिंह जी राठौड़ आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नाते सीपी जोशी जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। तो झुंझुनू जिले का ये प्रोग्राम केवल झुंझुनू जिले का प्रोग्राम नहीं है, राज्यव्यापी प्रोग्राम है, और उस राज्यव्यापी प्रोग्राम में नवलगढ़ के हज़ारों की संख्या में जो लोग जा रहे हैं वो उसके साक्षी बनेंगे इस प्रोग्राम के। मैं इतना सा आपके चैनल के माध्यम से कहना। बिल्कुल, तो ये थे भाजपा नेता उमेंद्र जी चारण हमारे साथ मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद इसी कार्यालय में, उमेंद्र जी के कार्यालय में मौजूद हैं, झुंझुनू के लिए निकल रहे हैं किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए। एक बार तो मेरे कैमरामैन साथी को चारों ओर वो संख्या पहले है वो दिखा दीजिए जो झुंझुनू के लिए नवलगढ़ से है, वो निकल रहा है। गाड़ियों का एक बड़ा काफिला यहाँ मौजूद है। बिल्कुल प्रकाश जी, इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी, बड़ी संख्या में यहाँ से नवलगढ़ से लोग आज झुंझुनू के लिए निकल रहे हैं किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जी देखिए, आपको पता ही है जो अब सरकार जो वर्तमान में चल रही है उस सरकार की क्या दयनीय स्थिति है। आप महिला उत्पीड़न में देख लो, आप रोजगार में देख लो, और आप चाहे शिक्षा के लेवल में देख लो, सब में सरकार पिछड़ गई, और अब तो गिनने चुने दिनों की सरकार बची है। और हाल ही में ये जो महिलाओं के लिए आप देख रहे हो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, मंदिरों की स्थिति क्या बना दी, और डोटासरा जी जैसे RSS के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि उनको बिल में बांट देंगे, अभी वो समय दूर नहीं है, कुछ दिनों में आप बिल में बढ़ जाओगे। बहुत दिन आप सत्ता और सरासीन का आनंद ले लिया, अब आप वो दिन नहीं चलेगा। जय हिंद जय भारत। तो ये देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में युवाओं का हुजूम यहाँ है मौजूद, और एक बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला है वो भी झुंझुनू के लिए निकल रहा है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारदू जी।